और दीपावली के दिन जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे बाजारों की रौनक बढ़ती जा रही है। दुकानों से लेकर बात करें बड़े बड़े मॉल्स की रोशनी में नहाए हुए हैं लगातार और दीपावली के मौके पर दिल्ली के बाजारों को खूब सजा दिया जाता है और इस बार इस सजावट का कोई ना कोई थीम भी तैयार होता है। इस बार क्या थीम है वो भी दिखाएंगे। इस बार दरअसल दीपावली पर अयोध्या की थीम लोगों को अपनी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है। रात्रि के बाद देश भर में त्योहारों की चेंज आ रहा है लाइफ में, जो कोरोना से सारी नेगेटिविटी आ गई थी वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जा रही है। और आपके पीछे ये जो डेकोरेशन है पूरा राम मंदिर और पुष्पक विमान का, तो वो आपको कैसे लग रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? ऑसम, मैंने जब पहली बार मैं जैसे ही एंटर हुई ना मेरा वाव था, मतलब ऐसे कि ये इतना अच्छा लग रहा है और ऐसे राम मंदिर से रिलेटेड कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा। हमें सबसे पहले इनके दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा, अच्छी लगी, ऐसे लगा जैसे अयोध्या पहुँच गए हम लोग और दिवाली की फील आ गई, देखते ही दिल खुश हो गया। जो आगे आने वाली जो ये जनरेशन है वो इन सबको ना भूलती अब है ना वो जा रही है, तो शायद ये एक तरीका है कि हम लोग अपने बच्चों को इनसे जोड़कर रख रहे हैं। जो ये चीज़ें अपनी किताबों में पढ़ते हैं वो बच्चे यहाँ आते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन है क्या है, तो शायद दैट इज़ अ वे कि वी कैन कनेक्ट देम टू अवर थिंग्स। मॉल के अंदर राम मंदिर की थीम पर हुई ये सजावट इतनी जीवंत लग रही है कि श्रद्धा से हाथ खुद ही जुड़ जाते हैं। गोपिका अग्रवाल, जी मीडिया, प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।